बांका के चांदन प्रखंड की पश्चिमी कटसकरा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन परिसर में जिलाधिकारी अंशुल कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत आयोजित प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों ने जिला प्रशासन के सामने समस्याओं की छड़ी लगा दी। बुधवार 9 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्या को लेकर कई मामले उठाए और लोग बड़े ही उत्साहपूर्वक आवेदन जमा किए। ज्ञात हो कि फुलहरा गांव से प्रखंड मुख्यालय की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक कार्य पूरी होने में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से DM अंशुल कुमार के अलावे वरीय पदाधिकारी SDM डॉक्टर प्रीति कुमारी, ADM माधव कुमार सिंह, DDC के कौशलेंद्र कुमार, DPR रंजन चौधरी आदि पदाधिकारी द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी, जिसे त्वरित निदान कराने का भरोसा दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान चांदन पंचायत के अमीन देव सिंह ने लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद मामले को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर न्याय दिलाने की मांग किया। इस मौके पर चांदन VDO राकेश कुमार, CEO प्रशांत सांडिल्य, MO MK झा, CDPO विभा कुमारी, पंचायत राज पदाधिकारी हिमांशु शेखर, कल्याण पदाधिकारी भोला दास, प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर AK सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर योगेंद्र मंडल तथा संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच रही है कि सभी प्रशासन जो है वो सभी सुदूर क्षेत्रों के गांव में भी पहुंचे, तो इसी क्रम में जिला प्रशासन बांका के द्वारा आज पश्चिमी कटसकरा में चांदन ब्लॉक में फुलहरा गांव में हम लोगों ने एक कैंप लगाया है। ये लगभग मुख्यालय से 1.5 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग जो हैं उसमें आ चुके हैं और यहाँ पर जिला स्तरीय जितने भी हमारे सारे विभाग हैं सभी पदाधिकारियों को आज हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और सभी को कैंप लगा करके हम लोगों ने आज ही के निष्पादन करने के लिए कहा। इसी के साथ साथ जितना भी हमारा अवेयरनेस का है, चाहे वो मद्य निषेध विभाग का हो, किस तरीके से नशा मुक्ति को रोकना है, चाहे CDS विभाग, सभी विभागों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है। सब अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और साथ में अपने से संबंधित योजनाओं का भी निस्तारण कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश यही है कि जो आज हम लोग का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा उसको अगले 7 दिनों के भीतर हम लोग डिस्पोजल करें। और इस तरीके के कैंप जो है माह में हम लोगों ने सोचा है कि सुदूर क्षेत्रों में हर माह में कम से कम एक जो है हम लोग जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कर जी सर। ये अभी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, उसमें पहले भी कुछ पैसा उठ किया है जिसके कारण अधूरा रहे, उस पर सर जुड़ाएंगे। इसमें अभी एक पूर्व में निर्मित एक अस्पताल की ज़मीन पर निरीक्षण किया गया है, काफ़ी पुराना उस प्रतीत होता है, उसकी जांच हम लोग कराएंगे। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये बहुत सुदूर क्षेत्र है तो यहीं पर अगर एक सब सेंटर खुल जाए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। ज़मीन भी हम लोगों को उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।